हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। जिसको आप लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कह लो या मेंडल्स लॉ कह लो, बात तो एक ही निकल के आएगा। मेंडल ने पोस्टुलेट्स दिए थे, लॉ कभी नहीं दिए थे। पहली बात, मेंडल के सारे पोस्टुलेट्स को लॉ करने का काम कार्ल कोरेंस ने किया था। अगर आपको याद हो, तीन साइंटिस्ट जिन्होंने मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया था, ह्यूगो दी व्राइस, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन टेस्टमार्क, जिसमें से कार्ल कोरेंस ने मेंडल के सारे पोस्टुलेट्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, लॉ में कन्वर्ट किया। वो हिसाब से मेंडल के तीन लॉ बने। सबसे पहला जो लॉ था उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या आप कह सकते हो लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा जो था उसे आप कहते हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसका एक और नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तीसरा लॉ जो मेंडल का बना वो था थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या आप उसे कह सकते हो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस वीडियो को थोड़ा सा आराम से ध्यान से देखिएगा, हम तीनों लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। तो जब आप मेंडल्स की फर्स्ट लॉ की बात करोगे तो ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉजिकली लॉ क्या है देखते हैं। द कैरेक्टर विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन, मतलब F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर दिख के आएगा उसे आप कह दोगे डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड द कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन आर कॉल्ड एज रिसेसिव कैरेक्टर। मतलब जब मेंडल ने टॉल प्लांट और एक डॉफ प्लांट को क्रॉस किया था, तो मेंडल को F1 जनरेशन में एक्सपेक्टेशंस क्या था, उम्मीदें क्या थी। सबसे पहली उम्मीद ये थी कि मैं एक टॉल प्लांट ले रहा हूँ, एक डॉफ प्लांट ले रहा हूँ, तो होगा क्या कि मेरे F1 जनरेशन में सारे प्लांट मीडियम हाइट के हो सकते हैं, पहली बात, या मीडियम हाइट के नहीं भी हुए तो आधे प्लांट टॉल हो जाएंगे, आधे प्लांट डॉफ हो जाएंगे। ये दो उम्मीद के साथ मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। लेकिन F1 जनरेशन में मेंडल को मिला क्या, सारे टॉल प्लांट मिले, तो मेंडल कंफ्यूज हुआ और उसको उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला। तब उसने F2 जनरेशन किया, और जब F2 जनरेशन किया तब मेंडल ने जाके बताया, अच्छा जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर दिख गया वो डोमिनेंट था, और जो नहीं दिख पाया वो रिसेसिव था। वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। कभी भी आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो एक्सप्लेन करने के लिए आप हमेशा यूज कर सकते हो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो याद रखना, लॉ ऑफ डोमिनेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है समझने वाली, कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अब सवाल ये उठता है कि मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्यों नहीं है। अगर आप मेंडल की बात माने तो इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ होनी चाहिए थी, डोमिनेंट और रिसेसिव। मतलब अगर मैं इंटेलिजेंस ले लूं तो आप या तो बहुत इंटेलिजेंट होंगे या तो एकदम गधे होंगे। मतलब डोमिनेंट रिसेसिव ऐसा तो है नहीं। आपका इंटेलिजेंस दिख गया आप डोमिनेंट हो गए, नहीं दिखा तो नहीं हो गए, ऐसा तो होता नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का फैक्टर जो है सही है, करेक्ट है, सिर्फ पी प्लांट तक, यूनिवर्सली नहीं चल सकता। डायबिटीज़ की बात करो तो इस दुनिया में सिर्फ दो ही टाइप के लोग होने चाहिए थे, एक वो जिनको बहुत बुरी तरह से भयंकर डायबिटीज़ है डोमिनेंट, और इनको जिनको नहीं है रिसेसिव। ऐसा तो है नहीं, हमें शेड्स देखने मिलते हैं, हमें ग्रेड्स दिखने मिलते हैं। अगर आप स्किन कलर की बात करो तो मेंडल के हिसाब से दो ही स्किन कलर के लोग इस दुनिया में होने चाहिए थे, एक जो पूरी तरह से डार्क होंगे, एक जो पूरी तरह से फेयर होंगे, ऐसा होता नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस सही है कुछ हद तक, लेकिन सब जगह सही नहीं है। तो इसलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया। सेकेंड जो लॉ है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा भी नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। पहले ये लॉ क्या कहता है उसे स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह सकता है? इन अ हाइब्रिड यूनियन, मतलब हाइब्रिड बन रहा है, मेंबर्स ऑफ अलीलिक पेयर, अलील्स के एक एक मेंबर ले लो, दे रिमेन टुगेदर। इन अ हाइब्रिड यूनियन मेंबर्स ऑफ एन अलीलिक पेयर रिमेन्स टुगेदर विदाउट मिक्सिंग, डाइल्यूटिंग और ऑल्टरिंग ईच अदर एंड दे सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि जब कोई हाइब्रिड यूनियन हो रहा है तो दोनों मेंबर्स उस अलील के साथ में तो रहेंगे लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल ऑल्टर नहीं करेंगे, बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, और जब सेपरेट होंगे तो प्योर गैमेट्स की तरह सेपरेट हो जाएंगे। उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अगर कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो इनके मेंबर्स क्या होंगे एलिलिक पेयर के? कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब ये दोनों साथ में आ जाएंगे तो एक हाइब्रिड यूनियन तैयार हुआ जिसे हम कहते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गया? इसे हम कहते हैं हाइब्रिड यूनियन। और ये क्या है? मेंबर्स हैं। किसके मेंबर हैं? तो आप कह सकते हो इस एलिलिक पेयर के। तो आप कह सकते हो मेंबर्स ऑफ एन एलिलिक पेयर, ये इनके मेंबर्स हैं, ये साथ में आ गए, साथ में रहेंगे पर एक दूसरे को बिल्कुल ऑल्टर नहीं करेंगे, और जब ये सेपरेट होगा तो ये प्योरली सेपरेट होगा एक प्योर गैमेट्स की तरह। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको इस तरीके समझते हैं, मान लीजिए एक गंदा बच्चा है और एक अच्छा बच्चा है, गंदा बच्चा भी किसी फैमिली का है, अच्छा बच्चा भी किसी फैमिली का है, दोनों मेंबर्स हैं किसी फैमिली के, दोनों साथ में आते हैं, दोनों साथ में आ गए मतलब दोनों का हाइब्रिड बन गया, दोनों साथ में रहेंगे, दे कम टुगेदर, लेकिन अच्छा बच्चा गंदे बच्चे को सुधारने की कोशिश नहीं करेगा और गंदा वाला बच्चा अच्छे बच्चे को गंदा करने की कोशिश नहीं करेगा। मतलब क्या हो गया? दोनों साथ में तो हैं, हाइब्रिड यूनियन तो है, पर एक दूसरे को मिक्स नहीं हो रहे, एक दूसरे को अल्टर नहीं हो रहे, एक दूसरे को डाइल्यूट नहीं कर रहे, एक दूसरे को चेंज नहीं कर रहे, और जब सेपरेट होंगे तो अच्छा बच्चा अच्छा बन के निकलेगा, गंदा बच्चा गंदा ही निकलेगा। दिस इज वॉट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहते हैं? देखो हमारे पास दो गैमेट्स हैं, एक एक्स और एक वाई। अगर आप मेल हो तो एक्स वाई होगा, फीमेल हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक्स और एक्स एक ही गैमेट है आपके पास, दैट इज एक्स। एक्स और वाई जब मेल फीमेल मेल का साथ में है तो ये दोनों एक्स और वाई साथ में रह रहे हैं, लेकिन एक्स और वाई आपस में एक दूसरे को ऑल्टर नहीं कर रहे, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, चेंज नहीं कर रहे, साथ में हैं। और जब गैमेट्स बनेंगे तो एक्स वाला एक्स गैमेट प्योर बनेगा, वाई वाला वाई प्योर गैमेट बनेगा। ये एक्स फीमेल के एक्स के साथ चला गया डॉटर, ये वाई फीमेल के एक्स के साथ चला गया तो सन। तो उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ये बहुत फैक्चुअल है, ऐसा ही होता है। इसकी वजह से जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है, इसको समझना पड़ेगा कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मेंडल के तीन लॉ में से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अच्छा, कभी एग्जाम में पूछा तो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन कर दो, ये होता है सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, या आप कह सकते हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए तीसरा लॉ देखते हैं। तीसरा लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसका मतलब है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले मतलब समझो, इंडिपेंडेंट मतलब अकेला, मैं किसी के सहारे नहीं हूँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, भले मेरे साथ 50 लोग हो फिर भी मैं अपना काम खुद करता हूँ, मतलब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। असॉर्टमेंट मतलब मैं जब चाहूँ तब असॉर्ट कर सकूँ। मान लो चार लोग साथ में चल रहे हैं पिक्चर देखने के लिए, तीन लोगों ने पिक्चर देखना चाहा, मैं नहीं देखना चाहता था, वो तीन पिक्चर देखने जाएं या ना जाएं उनकी मर्जी है, मैं नहीं जाऊँगा, मतलब मैं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहा हूँ। मैं अपने आप को एक्सप्रेस कभी भी कर सकता हूँ, भले हम चारों साथ में निकले पिक्चर देखने के लिए, मेरी मर्जी नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। आई हैव द राइट टू असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। वो मेंडल के हिसाब से कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्टेटमेंट क्या है, जरा उसे समझते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहने की कोशिश करता है, पहले स्टेटमेंट समझिए। व्हेन टू प्योर पेरेंट्स, दो प्योर पेरेंट्स हैं, डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब यहां पे मैं वर्ड क्या लाया हूं,
टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इसका बहुत सिंपल सा मतलब हो गया कि जब आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ोगे तो ये हमेशा डाई हाइब्रिड क्रॉस से ही पढ़ना है, मोनोहाइब्रिड से नहीं हो सकता। व्हेन टू प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड, द इनहेरिटेंस ऑफ, मतलब जो ट्रांसफर होगा, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, मतलब एक कैरेक्टर का एक्सप्रेशन दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मायने समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम सब ने पढ़ा है डायहाइब्रिड क्रॉस, येलो राउंड ये साथ में चले थे क्रॉस करने के लिए, ग्रीन रिंकल्ड ये साथ में चले थे, मतलब येलो और राउंड हमने प्योर पेरेंट लेके चले, ग्रीन और रिंकल प्योर पेरेंट्स लेकर के चले, लेकिन आगे चल के जब जब येलो को मौका मिला तब तब वो रिंकल्ड के साथ भी एक्सप्रेस हुआ, जब जब येलो राउंड के साथ था कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि राउंड के साथ चला ही था, मतलब येलो का एक्सप्रेशन राउंड पे कहीं पर भी डिपेंडेंट नहीं है, येलो जब चाहे तब रिंकल्ड के साथ भी एक्सप्रेस कर सकता है। वैसे ही ग्रीन स्टार्ट हुआ तो ग्रीन चला किसके साथ था, रिंकल्ड के साथ, लेकिन कोई उसने उसके साथ घूमने का इरादा नहीं था, जैसे ही ग्रीन को मौका मिला ग्रीन ने क्या किया, राउंड के साथ भी एक्सप्रेस कर दिया। मतलब ये कि येलो कहीं पर भी राउंड पे डिपेंडेंट नहीं था, ग्रीन कहीं पे भी रिंकल पे डिपेंडेंट नहीं था, जब येलो को मौका मिला उसने रिंकल के साथ भी एक्सप्रेस कर दिया, और जब ग्रीन को मौका मिला तो उसने राउंड के साथ भी एक्सप्रेस किया। अब इसको इस तरीके से समझते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। सबसे बड़ी बात क्या है जो आपको समझना पड़ेगा कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, सबसे बड़ी बात, ये लॉ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अब इतनी बड़ी लॉ जो मेंडल ने दिया वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों नहीं है, आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए दो हो जन हो, ए और बी, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, साथ में पिक्चर देखने के लिए निकले, कोई मूवी देखने के लिए गए अपने घर से। सी और डी ये कोई और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, साथ में निकले मूवी देखने के लिए। अब ए और बी एक साथ एक दूसरे को जान रहे हैं, सी और डी एक दूसरे को जान रहे हैं, लेकिन ये चारों नहीं जान रहे हैं एक दूसरे को। जब मूवी के पास पहुंचे, ए ने देखा कि मूवी बहुत अच्छी है मुझे देखनी चाहिए, बी बोलती है मुझे मूवी देखना ही नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में आप जरा सोच के बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि ए जो है मूवी देख के आए और बी बाहर खड़ी रहे, कोई चांस नहीं। अच्छा सी और डी में देखो, सी और डी में सी को मूवी पसंद आया, डी को मूवी पसंद नहीं है, मतलब यहां को बी को नहीं पसंद है और यहां डी को नहीं पसंद है। क्या रियल लाइफ में ऐसा कहीं भी आपने देखा है कि आप मूवी देखने गए, लड़की बोल रही है मूवी मुझे नहीं पसंद है, लड़का बोल रहा है पसंद है, तो आप कहते हो भाई तू देख ले मैं तेरी गर्लफ्रेंड के साथ असॉर्ट कर लेता हूँ, ऐसा तो हुआ ही नहीं है कहीं। मतलब क्या, अगर मूवी देखने जाना है तो ए और बी दोनों जाएंगे या तो नहीं जाएंगे, सी और डी जाएंगे तो दोनों जाएंगे या तो नहीं जाएंगे। पर मेंडल के हिसाब से क्या है, ए को मूवी देखना है, सी को मूवी देखना है, तो ए और सी साथ में जाके पिक्चर देख लेंगे, कहीं हुआ है ऐसा। बी को मूवी देखना है, नहीं देखना था, डी को नहीं देखना था, तो बी और डी साथ में मिलके बाहर सींग चना बेचते हैं, ऐसा कहीं हुआ है, नहीं हुआ है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ, उसका लॉजिक सिर्फ एक ही था, वो था लिंकेज। जो जीन्स आपस में बहुत लिंक्ड होते हैं वो कभी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर ही नहीं सकते। ए और बी दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, वो चाह करके भी अलग नहीं रह सकते क्योंकि वो लिंक्ड थे। तो जब ए और बी जाएंगे तो साथ में ही एक्सप्रेस करेंगे या फिर एक्सप्रेस नहीं करेंगे, मतलब ए और बी या तो मूवी देखेंगे या तो नहीं देखेंगे, इसे लिंकेज कहते हैं। वैसे सी और डी के बीच में लिंकेज है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, अगर ये दोनों साथ में देखेंगे तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे, इंडिविजुअल पार्टनर कभी देख नहीं सकता। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण था लिंकेज, क्योंकि मेंडल के पी प्लांट पे तो उतना ज़्यादा जीन्स लिंक्ड नहीं थे, डिस्टेंस दूर दूर था, तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर गए। लेकिन रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सारे लिंक्ड जीन्स हैं जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते, वो एक साथ असॉर्ट करेंगे, एक साथ जाएंगे, इसी की वजह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये थे मेंडल के तीन लॉस,
जिसमें से सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये तीनों लॉज बहुत ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप बस लाइक कर दो, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे जैसे हमारी अड्डा बायोलॉजी की फैमिली बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नए नए वीडियोस और एक्साइटमेंट और जोश के साथ मैं लाते जाऊंगा। 5th में आपका नीट एग्ज़ाम है, मेरी तरफ से मेरे सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट शुभकामनाएं, अच्छे से करो, मेहनत करो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तब तक ले मैं सुनील सर, थैंक यू वेरी मच।